जब भी हम किसी का वीडियो देखते हैं YouTube में, किसी का भी वीडियो देखते हैं, तो ऊपर में कुछ लिख के आता है, और जैसे हम उस पर टच करते हैं, यानी अपना उंगली से फोन में अपने टच करते हैं, तो डायरेक्ट एक दूसरा वीडियो पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज तक किसी ने YouTube पे ये नहीं बताया होगा कि वही आइकन बटन होता है। सभी लोग ये बताते हैं कि आई बटन कैसे लगाए, आई बटन कैसे लगाए। किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि सबसे कॉर्नर में जो ऊपर में दिखाई देता है, उसी को आई बटन कहा जाता है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आई बटन बहुत इजीली तरीका से आप कैसे लगा पाएंगे, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर। तो बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमें वीडियो के अगले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल बयान। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने ब्राउजर में अपने चैनल वाले ईमेल आईडी से लॉग इन हो जाना है। उसके बाद से मोबाइल में उसे डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद से हमको क्या करना है, सबसे ऊपर चैनल वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद से हमें योर चैनल वाले पर क्लिक करना है। फिर से हमको क्या करना है, कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है। जैसे कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करेंगे, अब हमारे सामने कुछ दूसरा कुछ कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। उसमें से हमको सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है कंटेंट वाला, उस पर क्लिक करना है। जैसे कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब हमारे सामने पूरा वीडियो के हमारी लिस्ट आ जाएगी। इसमें से हमें जिसमें भी अपने वीडियो का जो भी हमें जिस भी वीडियो में हम आई बटन लगाना चाहते हैं, उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, अब हमारे पास एक और दूसरे तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। इसमें से अब हमें एडिटर वाले ऑप्शन पर जाना है। जैसे एडिटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि सबसे ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है ट्रिम एंड कट का, सेकेंड वाला ऑप्शन जो है ब्लर का है, थर्ड वाला ऑडियो का, फोर्थ वाला इंडिस्क्रीन का, और लास्ट वाला जो है वो है इन्फो कार्ड का, यानी कि आई बटन का। तो दोस्तों, अगर हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसमें कुछ त्रुटि हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वहाँ पे ब्लर का ऑप्शन दिया गया है। इसमें क्या करेंगे, अगर हम किसी चीज़ को अपने वीडियो के अंदर किसी चीज़ को हम दिखाना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ से वो ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद से जहाँ भी हमको ब्लर करना होगा ब्लर कर सकते हैं वीडियो अपलोड होने के बाद। इसमें थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है उसमें कुछ ऑडियो चेंज करना है, कुछ म्यूजिक चेंज करना है, तो इसके जरिए हम ऑडियो वाले से यहाँ से अपने वीडियो में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ इसमें से ऑडियो चेंज होगा। और फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है, यहाँ से इंड स्क्रीन है, यहाँ से हम कोई भी इंड स्क्रीन इजीली तरीका से लगा सकते हैं, जिसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो कि आपको आई बटन में शो हो रहा होगा, जो कि आपको आई बटन में दिखाई दे रहा होगा, तो आप वहां से जाके इजीली तरीका से उसको व्यू कर सकते हैं। अब फिफ्थ नंबर का जो बात कर रहे थे आई बटन का, तो एक्चुअली आई बटन लगाना कैसे है, इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, नीचे में एक फेस दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा फोटो दिखाई दे रहा है, इसमें एक बड़ा सा तीर दिखाई दे रहा है। हमको आई बटन लगाने से पहले इस तीर को उस जगह पे लेके जाना पड़ता है जहाँ पे हमको आई बटन सेट करना होता है, उस जगह पे ले जाके हम छोड़ देंगे। उसके बाद से इन्फो कार्ड वाले के आगे प्लस का आइकन है, वहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे वहाँ से अब हमारे लिए एक और पॉपअप ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें दिखाई देगा वीडियो, प्लेलिस्ट, चैनल। तो आप इसमें जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसमें से अगर चाहें तो वीडियो सिलेक्ट करना, तो वीडियो वाले पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितना भी वीडियो होगा फिलहाल का वो सभी वीडियो आ जाएगा। तो उसमें से जो भी आपको वीडियो सेलेक्ट करना है उस वीडियो पर केवल क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से आपको सबसे लास्ट में ऊपर कॉर्नर में दिखाई दे रहा है सेव का ऑप्शन, जैसे सेव करेंगे अब आपका वो जो कार्ड है सेव हो गया है। इसके बाद जो भी कोई आपका वीडियो प्ले करेगा उस टाइम पे जैसे पहुंचेगा वहां पे आपको आई बटन ऊपर में शो होगा। तो इस प्रकार से बहुत इजीली तरीका से हम बहुत कम समय में आसानी से आई बटन को लगा लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, साथ ही साथ एक लाइक तो बनता है यार। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।